with more than 200 people charge sheeted in the Muzaffarnagar riot cases where clashes took place between the Muslim and Jat communities in September. The Akhilesh Yadav government claims that it is serious about bringing people to justice. NDTV Srinivasan Jayant spoke exclusively to Akhilesh Yadav, who said that he will not shut refugee camps down by force. We're joined by Akhilesh Yadav, Uttar Pradesh Chief Minister, for this exclusive interview. Akhilesh, bahut bahut dhanyawad hamare saath baat karne ke liye. Kya aap manenge jis tarah se Muzaffarnagar mein ye refugee ka jo crisis chalte hi ja raha hai ki aapki iski handling bilkul kharab rahi hai, aapne mishandle kiya? Dekhiye, jo Muzaffarnagar mein hua aur Muzaffarnagar se log ghar kaise wapas jaye ya jahan naya bana sake ghar, उस पर सरकार ने जो सहयोग कर सकते थे सरकार ने किया है और बड़ी संख्या में लोग वापस भी गए हैं, लेकिन और कुछ लोग जाना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, वो कह रहे हैं बहुत खौफ में हैं। कुछ लोग जाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ हस्तक्षेप है। और आप मौके पे गए, आप जानते होंगे कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ लोग रुके पड़े। हमारा मानना है कि वहाँ से बहुत जल्दी घर वापस जाएंगे और अपना जीवन और जो अपना काम करते हैं वो शुरुआत करेंगे। जो सहयोग सरकार को करना पड़ा सरकार करेगी। तो उनको जबरदस्ती वहाँ से क्यों खदेड़ा जा रहा है? जो कैंप्स को कैंप्स पे प्रेशर डाला जा रहा है बंद करने के लिए कि आप 2-3 दिन में बंद कर दीजिए, क्या ये सही है, खासकर ऐसे ऐसे फ्रीजिंग विंटर में? आपने चर्चा इस बात की भी की कि वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कैंप को बनाए रखना चाहते हैं। जी हैं। और लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, सर्दी ना हो, मैं वो नुकसान ना हो और लोगों की जाने ना जाएं। ऐसे लोग इसके लिए काम किया है सरकार ने। आप जानकारी कर लें, कंबल, कपड़े और खाना पीना जो दे सकती थी सरकार, सरकार ने दिया है और पहुंचाया है उन्हें समय पर। लेकिन क्यों कैंप्स पे, जैसे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, व्हाई आर यू पुटिंग प्रेशर की कैंप्स बंद की जाए? कोई प्रेशर नहीं है किसी पर, कोई प्रेशर लोग जाना चाहते हैं अपने वापस। लेकिन वही मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्रेशर बना रहे हैं कि वो लोग रुके रहे। तो कोई डेडलाइन दिया है क्या आपने कैंप्स को बंद करने के लिए? क्या फोर्स यूज किया जाएगा कैंप्स को बंद करने के लिए? डेडलाइन नहीं है, लेकिन हमारी अपील है और हमारे लोग समझाने भी गए हैं और राजनीतिक लोग समझा भी रहे हैं, हमारे दल के लोग भी समझा रहे हैं, प्रशासन के लोग भी समझा रहे हैं कि वो लोग घर वापस जाए, सुरक्षित हों, लौटे घर। एक सवाल है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं उनके अरेस्ट नहीं हुए हैं, करीब 250 वारंट्स उनके खिलाफ हैं, सिर्फ 80 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक्यूज्ड खुलेआम घूम रहे हैं गाँव में, हमने खुद जाके देखा। देखिए, एक्यूज्ड और जो कानून के अंदर हैं, जिन्होंने जाने ली हैं या जाने गई हैं, जो भी मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों की जांच कर करके और कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जिन्होंने माहौल खराब किया और जिन्होंने जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, मैं समझता हूं हमारे पूरा का पूरा प्रशासन उस दिशा में काम कर रहा है और प्रशासन उसी दिशा में काम करता रहेगा। आपने सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि ये घर वापस जाएं। क्यों? और वापस इसलिए जाएं कि चैनल के माध्यम से भी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों से, वहाँ के सम्मानित लोगों से और वहाँ के तमाम हमारी पार्टी के राजनीतिक दल जो है उसके लोगों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया था कि उनकी मदद हो और उन्हें घर वापस लौटाया जाए। क्यों आपने सिर्फ जो मुसलमान नेता हैं उन्हीं के खिलाफ क्यों आपने केसेस विड्रॉ करने की सूचना जारी की है? ये समाजवादी पार्टी का फैसला नहीं है, ना हमारा फैसला है। ये कहाँ से होम डिपार्टमेंट से क्या पत्र किया है, क्या जानकारी मांगी है, जानकारी मांगना मैं समझता हूँ केस वापसी नहीं है। बट क्यों सिर्फ only the Muslim leaders, वो जो बाकी जो नेता हैं भाजपा के नेता हैं उनके उनके खिलाफ तो आपने ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की? जो भी जानकारी मांगी गई है मैं उसमें जानकारी कर लूंगा कि क्या जानकारी मांगी गई है और जिन लोगों ने लिख करके भी दिया है वो जांच का विषय है, जांच करेगा। एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई, जांच में सब चीजें बाहर आ जाएंगी कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। आप अरविंद, उसमें राजनीतिक दल नहीं है या कोई राजनीतिक दल को देख नहीं रहे हम, ये देख रहे हैं कि आखिरकार जांच ठीक हो और जांच निष्पक्ष हो और कार्रवाई ऐसी हो जो कानून न तोड़े लोग। आप अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया है, बड़ा बहुमत मिला है। लेकिन बड़े बहुमत के साथ नर्वस हैं क्या कि अगर वो उत्तर प्रदेश में आप आएगी तो आप पे भी असर पड़ेगा?
देखिए, जहाँ तक दिल्ली की सरकार बनने का है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, दिल्ली की सरकार जो बनी है उसका मतलब ये नहीं कि देश में वही परिणाम आएंगे। और कई राजनीतिक दल चाहते हैं कि आप पार्टी रहे, क्योंकि आपका भी ध्यान बटा है। हमने तो रिपोर्ट पढ़ी है कि कभी किसी को आप बहुत दिखा रहे थे, अब आपके बहाने वो लोग तो साफ हो गए। तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्टाइल में कुछ परिवर्तन लाए हैं जब से आप आए हैं। आपने अपना सिक्योरिटी कम कर दिया है, अपना कैबिन मोटरकेड कम कर दिया है। मैं तो चाहूं कि अकेला चलूं आपके साथ, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि जो पद की गरिमा होती है उसके हिसाब से, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सिक्योरिटी होती है वो होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी सिक्योरिटी मना कर दी, और तो उन्होंने अपनी जनता को रोकने के लिए क्यों सिक्योरिटी ले ली? खुद की सिक्योरिटी तो नहीं है, अपने एमएलएज के पास सिक्योरिटी को रोकने के लिए हमारी भी सिक्योरिटी नहीं है। आप भी चढ़ गए थे अभी प्रेस वाले, आप भी धक्का खाए अभी मेरे साथ, आप धक्का खाए कि नहीं खाए? खाए। चलो, तो ये सिक्योरिटी केवल पद के लिए नहीं बल्कि जनता को भी सुरक्षित और आप लोगों को भी सुरक्षित रखें इसलिए। कुछ अपने कल्चर में पॉलिटिकल जिस तरह से जो भी है उसमें कोई बदलाव आएगा समाजवादी पार्टी के, आप बिकॉज ऑफ द आप इफेक्ट? देखिए, जैसा मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ मैं। कोई पद कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाता है, आदमी की सोच बदलाव लाती है। आप इतने पूरे वीआईपी कैवलकेड के साथ जाते हैं, सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप वैसे ही हैं? बदलाव तो आया है। आपको लगता है कि मैं वीआईपी की तरह काम करता हूँ? आपसे मिलना आसान नहीं है ना, जैसे पहले होता था। आपको एक घंटा लगा मुझसे मिलिए आप, अगर इससे ज्यादा लगाओ तो बताइए। ये मतलब एक घंटे से ज्यादा लगाओ तो बताइए। चलिए अखिलेश, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो भी है आप उनको बधाई देते हैं। मैं और उनको बधाई देता हूँ, चुनौती उनके सामने, मैं समझता हूँ उन चुनौतियों पे सफल हों, क्योंकि बड़ी टीम है उनके पास, जागरूक टीम है, समझदार लोगों की टीम है। और जहाँ तक ये मुजफ्फरनगर कैंप से, आप इसको एक अपने एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं मानते जिस तरह से इनकी हैंडलिंग हुई? जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, जिन ऑफिसर्स की गलती थी उस पर कार्रवाई हो रही है और भविष्य में भी कार्रवाई करेंगे। और आप वहाँ जाके लोगों के साथ मिले क्यों नहीं, जाके मिल के उनकी जो भी सारी जो, मैं ये कहना गलत है कि मैं मुजफ्फरनगर नहीं गया। मैं मुजफ्फरनगर गया, मैं कैंप में भी गया, और कैंप के बाद लगातार मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के लोगों से मैं लगातार संपर्क में रहा, आज भी संपर्क में हूँ। जब कभी भी वो सूचना देते हैं या जो चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे, हम लोग काम कर रहे हैं। सैफाई महोत्सव करना क्या जरूरी था जब ये सब चल रहा था? मैं समझता हूँ आपको तो नया साल भी रोक देना चाहिए था। दिल्ली में रहते रहे होंगे आप, बम्बई में रहते रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा जश्न मनाए होंगे, क्या उनको रोक देना चाहिए? क्या मैं मना रहा हूँ? आपकी सरकार है, सरकार मना रही है, आप ही के कंस्टिट्यूएंसी में है? नहीं, मेरे घर में है। हाँ, और ये कार्यक्रम तो हम लोग नहीं करते हैं, एक कमेटी है, मेला कमेटी, वो हर वर्ष करती है। और आपके एक कहने पे उसको इस साल रोक देते हैं या उसको अलग ढंग से करते हैं, जिससे ये सिग्नल नहीं जाता कि लोग वहाँ कैंप्स में, ठंड लग रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और आप फंक्शन का मजा उठा रहे हैं? पॉलिटिक्स में ये सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये आपके लिए खुराक है, आपके लिए ये न्यूज है, लेकिन वहाँ के लोग कर रहे हैं काम और वहाँ के लोगों ने हर वर्ष काम किया है। और दुकानें, वहाँ जो दुकानें लगी वो अमीर लोगों की दुकानें लगी हैं क्या? वो गरीब लोगों की दुकानें लगती हैं, वो इसी उम्मीद में आते हैं कि बाजार लगेगा, उनका कारोबार होगा। तो क्या आप वो इसको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं डिफेंड नहीं, मैं जो बात है वो सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपको जाकर के देखना चाहिए। और ये आपके बगल में रिपोर्टर खड़े हैं, ये गए थे, इनसे पूछो, वो दुकान जो लगी हैं वो पूरे साल का अपना कार्यक्रम बनाते हैं कि 15 दिन हमारा बाजार यहाँ लगेगा, 15 दिन वहाँ लगेगा, 15 दिन वहाँ लगेगा। तो क्या ये सरकार करा रही है? ठीक है, सरकार है समाजवादी पार्टी, इसलिए भी कार्यक्रम हो रहा, लेकिन ये वहाँ की मेला कमेटी हर वर्ष कार्यक्रम इसी तरह होते हैं। अखिलेश, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। धन्यवाद। थैंक यू।